कलयुग धीरे धीरे अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखा रहा है। मैं कथाओं में कहा करती थी पहले कि पानी बिकने लगा। पहले जब किसी ने पहली बार सुना होगा ना कि पानी पैसों से बिकता है तो बड़ा हंसा होगा, अच्छा पानी पैसों से भी बिकता है। पर धीरे धीरे आज ये विश्व का एक बहुत साधारण सा हिस्सा बन गया। और फिर ये भी कहा गया कि वो दिन भी दूर नहीं जब पानी नहीं, हमारी जो श्वास हम ले रहे हैं ये श्वास भी बिकने लगेगी। और आज उसका परिणाम ये है कि दिल्ली वालों से अच्छा स्कोर कौन समझ सकता है। यहाँ तो अनुभवी लोग बैठे हैं, पता होगा किस तरह से पूरे भारतवर्ष ने देखा कि दिल्ली में हाहाकार मचा एक इस प्रदूषण के खातिर। और उसको देखते हुए एक दुकान खोली गई, वैसे उसका नाम बार है पर शब्द कहने में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन उसका नाम रखा ऑक्सीबार। ऑक्सीबार में 15 मिनट के लिए अगर आपको जाना हो, दिल्ली में ही खोली गई, 15 मिनट के लिए अगर आपको उस ऑक्सीबार में जाना हो तो 299 यानी अप्रोक्स 300 ही समझ लीजिए, 300 रुपया आपको देना पड़ता 15 मिनट की स्वच्छ सांस लेने के लिए। ये नई नई बार खुली है ऑक्सीबार, ऑक्सीजन लेने के लिए। अभी तो एक ही जगह खुली है, अब देखो धीरे धीरे आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, भारतीयों की हमने महिमा बहुत सुनी है, मैं खुद गाती हूँ भारत ऐसा भारत, पर भारतीयों की एक सबसे बड़ी बुरी आदत ये है कि समय रहते हम जागते नहीं। जागते तो हैं पर जब समय निकल जाता है हाथ से तब जागते, तब होश आता है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमको इतनी चेतावनी दी जाती है कि भैया अपने प्रकृति को बचा लीजिए, पेड़ों को मत काटिए, पर फिर भी हम वही काम में लगे रहते हैं, फिर भी वही करते हैं, कचड़ा यहाँ तहाँ मत फेंकिए, पर हमने कभी नहीं मानी। और आपको और हमको, हमारी जो जनरेशन है वो फिर भी कुछ समय तक जिंदा रहेगी तो फिर भी जैसे तैसे झेल लेगी, पर आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना वो पूरे समाज को कोसेगी, पूरे समाज को कोसा जाएगा, यही छोड़ के गए थे हमारे लिए। बड़ा घर बना के जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस घर में रहने वाले दिन भर बीमारियों से ही परेशान रहेंगे तो काय का बड़ा घर। आज के समय में बीमारियां इतनी बढ़ रही है उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने जीवन में अपनी अनुशासन व्यक्त जो जीवन हमारा रहता था उस अनुशासन को हटा दिया। कुछ भी गंदा खाने लगे, पशुओं को आहार बनाने लगे, गंदगी फैलाने लगे, और उसके कारण हमारा पूरा समाज जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित होने लगा। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% लोग, 70% लोग नॉनवेज खाते हैं, बचे कितने, मुश्किल से 30-35 लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा, इतने बस चंद लोग कुछ बचे हैं जो अभी ऐसे गलत आहारों से दूर है। अन्यथा तो आज का एक ट्रेडिशन बन चुका है, आज के खासकर यूथ में तो एक ट्रेडिशन बन चुका है कि गलत आहार खाना उनका एक शान है, अपने आप को दिखाना है बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। जो बच्चे नहीं खाते वो बेचारे शर्म के मारे बैठे रहते एक कोने में, अच्छा तू नहीं खाता, बोले नहीं, उसको शर्म आती, खाने वाले को नहीं आती, जो नहीं खाता बेचारे उसको शर्म आती कि मैं नहीं खाता। ऐसी हालत हमारे समाज में हो गई।
इसको इसका बदलाव लाना, इसको बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चे आज के समय में क्या नहीं छोड़ते हम खाने के लिए, मांस खा लें, शब्द भी कहने में शर्म आती है, गौमांस तक आजकल के भारतीय बच्चे खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़े शर्म का विषय है, शर्म की बात है। वैसे दिखाएंगे बहुत सहनशील है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया घर में कुत्ता पालते हैं और कहते हैं हम पशु प्रेमी हैं। अब एक तरफ पशु प्रेमी और दूसरी तरफ वहीं बाजार में जाके रेस्टोरेंट में जाके उल्टी सीधी चीजें ऑर्डर करके खाते हैं, काहे के खाक पशु प्रेमी हैं। एक दंपति, नव दंपति रेस्टोरेंट भोजन करने जाते हैं तो वहाँ एक कोई कॉकरोच आता है तो पति लेकर के उसको थोड़ा मार देता है, तो पत्नी बोलती छी छी राम 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 राम, कैसे आदमी हो तुम बताओ, तुमको जरा भी दया नहीं है, मैं तो चींटी तक को ना मार सकूँ, तुमने इतने बड़े कॉकरोच को मार दिया। बोला बस बस अब बाद में घर में पहले ना पहले ऑर्डर कर दे क्या खाएगी। तो वेटर आया, बोलिए मैडम, बोले एक चिकन बिरयानी एक। जो शब्द कहने में भी अजीब लगता है कि कैसे कहूँ, ये कि देखो वाह कितना पशु प्रेम, कितनी दया है इनमें, कितनी दया है। ये पशु प्रेम नहीं हो सकता कि थाली में आप पशुओं को खाओ वैसे आप दिखाओ कि हम बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं आपके लिए ये बात नहीं कह रही क्योंकि मुझे पता है आप लोग सत्संग से जुड़े हैं, इस चीज़ से कोसों दूर होंगे, पर आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों से दूर रहे उसका प्रयास करिएगा। नहीं तो देश में जो आज हो रहा है ये इतनी तादाद में बढ़ जाएगा कि सांस लेना दुर्बल हो जाएगा। हमने हर चीज को नष्ट किया है। तो अपने धरोवरों को, अपने पशुओं को, अपने गोवंश को, अपनी प्रकृति को, अपनी नदियों को बचा करके रखिए।